रायपुर से खबर का जिक्र करते हैं, जहां महादेव ऐप केस में आरोपी नीतीश दीवान को 3 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। तो वहीं नीतीश से पूछताछ में सौरभ के बारे में अहम जानकारी भी मिली है। तो नीतीश दीवान कोर्ट में पेश हुआ है, महादेव ऐप से जुड़ा यह पूरा मामला है। 14 दिन की रिमांड में अब जेल भी भेजा गया है इसको। खबर रायगढ़ से है, जहां के डिग्री कॉलेज में साइंस डे के मौके पर नाटक में हिंदुओं का आस्था से खिलवाड़ के आरोप है, जिसको लेकर एबीवीपी ने आज कैंपस में प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन से माफी की मांग भी की, जिसके बाद कॉलेज ने माफीनामा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। आपको यह भी बता दें कि कल साइंस फेस्टिवल के दौरान एक छात्रा को साधु संतों के वेशभूषा पहनकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, जिसके बाद एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की, हवन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हमारे कॉलेज में साइंस डे मनाया गया, जिसके अंदर साइंस के नाम पे साधु, एक बच्चे को साधु बनाया गया, जिसमें हमारे हिंदुओं का अपमान किया गया, साधुओं का अपमान किया गया और साधुओं को ढोंगी बताया गया। ये साइंस थोड़ी होता है, ये साइंस के नाम पे हमारे साधुओं का अपमान हुआ है जो हम नहीं सहेंगे। हम यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं और एक हवन कर रहे हैं मैम के नाम पर, मैम को सद्बुद्धि आए ताकि आगे से ये सब ना हो, और हमें लिखित में चाहिए कि आगे से ये नहीं होगा और वो लोग हमसे माफ़ी मांगे कि हम साधु का अपमान नहीं करेंगे। हाँ, उनकी नाराज़गी कारण ये था, कल विज्ञान दिवस था नेशनल, और उसमें एक छात्र द्वारा वस्त्र पहन कर आया था जिसके उन्होंने आपत्ति लगाई थी। कल भी आए थे मेरे पास, तब भी मैंने उन्हें बोला कि हमारे कॉलेज प्रशासन की ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं, और फिर भी वो ना माने, आज आ गए और हमने उन्हें सब लिखित दे दिया और माफ़ीनामा दे दिया है।